दोस्तों आज तारीख 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार का और आइए उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इस वीडियो में हमने शामिल किए युवाओं के लिए कुछ बहुत ही बड़े अपडेट, किसान भाइयों के लिए खेती किसानी में सब्सिडी और उर्वरक को लेकर बड़ी खबर, माताओं बहनों के लिए जरूरी अपडेट और आम जन के लिए योगी सरकार की तरफ से जारी कुछ बड़े ऐलान और भी बहुत कुछ, एक एक करते हुए नजर डालेंगे। सबसे पहली खबर देखिए, मेरठ के अंदर दशहरे से एक दिन पहले ही यानी कि कल ही लगा दी रावण के पुतले में आग। कुछ असामाजिक तत्वों ने टेंट में रखे रावण के पुतले में आग लगा दी। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दूसरा पुतला जो तैयार किया गया। वहीं खबर है गोरखपुर के अंदर, सीएम योगी ने कन्याओं के पैर धोए, गोरखपुर में टीका लगाया, चुनरी ओढ़ाई और कहा कि जय हो देवी मैया की और उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही खबर है लखनऊ से, सीएम ग्रिड योजना से बनेगी 7 सड़कें। लखनऊ के अंदर नगर विकास मंत्री एके शर्मा आज ही करेंगे उद्घाटन, 186 करोड़ रुपए आएगा इनका खर्च और इसी साल के अंत तक इनका काम जो पूरा भी कर लिया जाएगा। वही खबर देखिए, लखनऊ में अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई सड़कें, 10 अक्टूबर बीतने के बाद भी 100 किलोमीटर की सड़कों का काम जो अधूरा पड़ा है, जबकि योगी सरकार ने आदेश जारी किया था कि 10 अक्टूबर तक हर हाल में प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर ली जाए। और खबर देखिए, लखनऊ से वर्किंग वुमेन के लिए बनेगा 108 कमरों का हॉस्टल, शहर के औरंगाबाद इलाके में 36 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सबसे बड़ा हॉस्टल और ये नगर निगम की तरफ से बनने जा रहा है, जिसमें माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जिम से लेकर के लाइब्रेरी वगैरह, वेटिंग एरिया, कैफेटेरिया सब कुछ होंगे शामिल और तो और आधुनिक लाइब्रेरी के साथ इंटरनेट भी मिलेगा आपको। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी यानी कि इसे काफी हाईटेक बनाया जाएगा। मनोरंजन के ऊपर भी रखा गया काफी ध्यान। वहीं खबर है मथुरा के अंदर पैतृक गांव पहुंचा सैनिक का पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, श्रीनगर एयरपोर्ट पर थे तैनात, ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से गई थी इनकी जान। बलदेव ब्लॉक के गांव भरतिया निवासी गेंदा सिंह की हम बात कर रहे हैं जो कि ओम प्रकाश जाट के सुपुत्र थे, ऐसे में इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, हमारी तरफ से भी इसको बहुत बहुत सलामी। वहीं खबर देगी वाराणसी के जिस सिगरा स्टेडियम का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, तस्वीरों में आप देख सकते हो बनकर तैयार है, 6 घंटे काशी में रहेंगे मोदी जी, 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात, एयरपोर्ट के टर्मिनल की भी रख सकते हैं इस दरमियान नींव। और कानपुर से खबर देखिए, परेड के अंदर रावण दहन से पहले होगा लेजर शो, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो कानपुर में उड़ेंगे 120 ड्रोन, 10 किलोमीटर दूर तक दिखेगा नजारा, फिर होगी ऐतिहासिक अतिशाबाजी। और लखनऊ से खबर है धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा, ऐश बाग में 80 फीट तो राजाजीपुरम में 55 फीट, अलीगंज में 60 फीट का दहन होगा रावण। वहीं खबर है आगरा के अंदर 600 देवी प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, नवमी पर यमुना किनारे बने कुंडों में हुआ विसर्जन, ढोल नगाड़ों के साथ रंग उड़ाते निकले श्रद्धालु। और खबर देखिए यूपी के अंदर 800 बंद हुए सिनेमाघर फिर से होंगे चालू, 38 जिले तो ऐसे भी हैं जिनमें एक भी सिंगल स्क्रीन थिएटर नहीं है, ऐसे में इन सभी का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा और हर शहर में खुलेंगे सिनेमाघर। वहीं खबर है महंगाई को लेकर, सेव से महंगा हुआ टमाटर, बिगड़ा रसोई का बजट, गोभी और शिमला मिर्च के रेट सुनकर कोई नहीं है खरीदने के लिए तैयार, टमाटर 100 रुपए किलो जबकि सेव का भाव 90 रुपए किलो है, हरी सब्जियां 60% तक महंगी हो चुकी हैं, गोभी 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च 160, नींबू 160 और अदरक 80 रुपए किलो। आपके यहाँ पर क्या चल रहे हैं भाव बताना जरा नीचे कमेंट्स करके। और इसी के साथ खबर है लखीमपुर खीरी से, थप्पड़ खाने वाले बीजेपी विधायक की बड़ी सुरक्षा, पहले उनके पास एक गनर था अब 3 सुरक्षाकर्मी रहेंगे साथ, पिटाई के दौरान उन्हें बचाने कोई नहीं आ पाया। लखीमपुर में विधायक के 8000 समर्थकों ने डीएम ऑफिस को घेरा, अखिलेश यादव का कहना भाजपा नेता ने एमएलए को थप्पड़ मारे और पिटवाया, हालांकि उनका तो ये भी कहना कि अभी तक इनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई दर्ज। दरअसल मसला है लखीमपुर के भाजपा विधायक योगेश वर्मा को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा के नेता भाजपा विधायक को क्यों पीटेंगे, आरोप तो अपन किसी पर भी लगा सकते हैं क्या है, 3 दिन पहले की घटना हम आपको बता रहे हैं। वहीं खबर देगी कानपुर के अंदर, पैसे डालो वरना पूरे परिवार को गोलियों से भून देंगे, कानपुर में टीचर के पास मिली आतंकवादी धमकी और फिर फर्जी सीबीआई अफसर का फोन आया और बोला कि दे दो रुपए, ऐसे में हम आपको ये खबर इसीलिए बता रहे हैं अगर आपके भी पास ऐसा कोई फर्जी कॉल आए तो उस पर ध्यान न दे, उसे तुरंत कट कर दे और पुलिस में करें शिकायत। वहीं खबर देखिए यूपी के पहले ब्रेस्ट केयर क्लिनिक का हुआ शुभारंभ, जिला पंचायत अध्यक्ष बोले कि चिकित्सा क्षेत्र में आज महिलाओं ने बनाई अलग पहचान। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यूपी का पहला ब्रेस्ट केयर क्लिनिक है। और खबर है प्रयागराज के अंदर, पुलिस नहीं कर सकती लिंग परीक्षण और अपराध की जांच, कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी को ही मिलेगा अधिकार, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी रद्द। साथ ही संत कबीर नगर से खबर देखिए, प्रशासन ने करोड़ों का पटाखा कराया नष्ट, 2 दिन पहले छापेमारी कर पुलिस ने पकड़ा था, ट्रांसपोर्ट मालिक को भेजा जा चुका है जेल। वहीं खबर है मथुरा में कांग्रेसियों ने मेयर का किया पुतला दहन, नगर निगम के JEN ने बच्चों से किए बेड टच और उसके बाद हुए गुस्सा मुकदमा दर्ज कराए जाने की है मांग। और रामपुर से खबर है, इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों ने बनाई कोठियां, शासनादेश के उल्लंघन पर भी जिला योजना समिति सदस्य ने प्रमुख सचिव से की कार्रवाई की मांग, अब ये सभी कोठियां जो वो ध्वस्त की जाएगी क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विकास ही जो वो संभव है। रामपुर में करीब 60 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया में लोग आलीशान कोठियां बनाकर रह रहे हैं। वहीं कानपुर से खबर देगी, घाटमपुर में खजुराहो पैसेंजर में फंसा सांड,
लोको पायलट और गार्ड ने ग्रामीणों की मदद से निकाला बाहर आधा घंटे लेट हुई ट्रेन। और इसी बीच खबर है, जौनपुर के अंदर पुलिस पर पथराव करने वाले 27 पुरुष और 2 महिलाएं हुई गिरफ्तार, 29 लोगों को भेजा गया जेल, बाजारों में साया सन्नाटा। वहीं खबर है आगरा से, सरकारी चावल बेचने वाले 2 लोग हुए अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, लगभग 550 से ज्यादा 559 चावल की बोरियां इनसे बरामद कर ली गई। पंजाब हरियाणा में बेचते थे सरकारी चावल, जो सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल आता ना, उन्हें अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करने में जुटे थे। साथ ही खबर देखिए, वाराणसी के अंदर महानवमी और दशहरे पर काशी में अलर्ट जारी। DCP बोले कि हर पंडाल पर पुलिस रहेगी मुस्तैद, CCTV से होगी अब निगरानी, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी अराजक तत्वों को। इसी बीच खबर है, फरुखाबाद में चीनी मिल प्रबंध समिति के संचालक पदों पर हुआ नामांकन, 11 पदों के लिए भरे गए पर्चे और 7 जनरल यानी कि सामान्य के, तो 4 आरक्षित सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, देखते हैं कौन बन पाता है अध्यक्ष। साथ ही खबर है, बरेली से, नदी पर घूमने आए लोगों पर जंगली जानवर का हुआ अटैक, बरेली के नवाबगंज में ग्रामीण ने पानी में कूदकर बचाई अपनी जान। और अलीगढ़ से खबर देगी, अवैध रूप से रेलवे टिकट बनाने वाला हुआ गिरफ्तार, अलीगढ़ में पर्सनल ID से बना रहा था टिकट, आमजन और रेलवे को पहुंचा रहा था सीधा नुकसान। और खबर देगी, फिरोजाबाद के अंदर खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, मकान की छत उड़ी, 2 बच्चे हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऐसे में हम आए दिन आपको ये खबरें बताते रहते, जब भी महीने की पहली तारीख होती है तो हम रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि जब भी आपके घर में सिलेंडर का इस्तेमाल हो तो ध्यान रहे कि गैस चूल्हे की जो हाइट है वो सिलेंडर से ज्यादा होनी चाहिए, ओरिजिनल रेगुलेटर और ओरिजिनल चीजें ही करें, ISI प्रमाणित इस्तेमाल, और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपके गैस चूल्हे के आसपास बिजली का कोई खुला तार न हो, वरना आप भी हो सकते हो दुर्घटना के शिकार। और गलती आपकी पाई गई तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मुआवजा भी आपको नहीं मिलने वाला, वरना गैस दुर्घटना पर मिलता है 50 लाख रुपए तक का मुआवजा। और खबर देखिए, लखनऊ के अंदर निकलेगी 70 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। और खबर है, कानपुर के अंदर दीपावली और छठ पर चलेगी 8 स्पेशल ट्रेनें गोविंदपुरी से, ये होकर के जाएगी, भीड़ को देखते हुए लिया गया रेलवे द्वारा बड़ा फैसला। और खबर है, नोएडा के अंदर 105 किलो विस्फोटक के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, बोरे में गंधक और पोटास भरकर ले जा रहा था, यानी कि इस माल से बनाए जाने थे पटाखे, मगर इससे पहले पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। वहीं बाराबंकी से खबर है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मिशन शक्ति का हुआ महाकुंभ, बाराबंकी में 51 कन्याओं का हुआ पूजन, 11 गर्भवती महिलाओं की करी गई गोद भराई। साथ ही खबर है, जालौन में अवैध तरीके से घर में पटाखों का हुआ भंडारण, पुलिस की छापेमारी में अवैध पटाखों के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार, हालांकि 2 लोग हो चुके थे मौके से फरार। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो, लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी अच्छी खबरें अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक पहुँचा पाए। वहीं बढ़ते हैं खबरों की तरफ और खबर देखिए, बहुत ही बड़ी और दुखद खबर है, काशी के वृद्धा आश्रम में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक, 400 किताबें अब तक वो लिख चुके हैं, जिनका बेटा बिजनेसमैन और बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और आज वो वृद्धा आश्रम में अकेले रह रहे हैं। ऐसे में क्या मतलब इतनी संपत्ति और इतनी प्रॉपर्टी का, जब ऐसी नालायक औलादें पैदा हो जाए, क्या कहना है इस पर आपका, बताना जरा नीचे कमेंट्स करके। और खबर देखिए, गोरखपुर के अंदर खून से माँ दुर्गा का होता है अभिषेक, श्रीनेत वंश के लोग 300 साल से नवमी को चढ़ाते हैं अपना रक्त, जिसमें बच्चे भी होते हैं शामिल। वहीं गाजियाबाद से खबर देखिए, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हुए लापता, दासना देवी मंदिर पर 13 अक्टूबर को पंचायत बुलाई उन्होंने, मगर पुलिस ने लगाई धारा 163, कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति, इसी बीच उनके लापता होने की खबरें आई सामने। और खबर है, सोनभद्र पुलिस ने जब्त किए 4 क्विंटल अवैध पटाखे, घनी आबादी बीच रखे गए पटाखे, लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने लिया हिरासत में। वहीं खबर है, उन्नाव के अंदर 1,30,00,000 की जमीन हुई कब्जा मुक्त, प्रशासन ने खातेदार को वापस कराई जमीन, सरकारी जमीन पर बनाया था पोल्ट्री फार्म भी। और बिजनौर से खबर देगी, 4,00,000 रुपए घूस लेने के मामले में बिजनौर के SDM हुए सस्पेंड, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम कराया था पीड़ित का जमीन, जौनपुर के CRO भी हुए निलंबित। और खबर है, प्रयागराज के डॉक्टर पर 10,00,000 का लगा जुर्माना, यूरो सर्जन ने इलाज में की लापरवाही, CMO और महानिदेशक ने दिए कार्रवाई के आदेश। वहीं खबर है, मैनपुरी में DM से शिकायत करने पहुंचा पीड़ित, प्रधान सचिव और लेखपाल पर लगाया 30,000 लेकर पट्टा लगाने का आरोप, यानी कि उसका पट्टा बनाने के एवज में 30,000 रुपए की मांगी गई रिश्वत, अब कार्रवाई करने की है मांग। और खबर है, मुजफ्फरनगर में GST विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ का माल पकड़ा, मुजफ्फरनगर के सिग्मा कॉस्मो स्टील फैक्ट्री में हुई छापेमारी, मालिक को नोटिस जारी। और खबर है, मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 4,00,000 के अवैध पटाखे, पुलिस और दमकल विभाग ने चलाया छापेमारी का अभियान, भंडारण करता आए हिरासत में। वहीं खबर है, हाथरस के अंदर आज फूंका जाएगा 70 फीट का रावण का पुतला, पॉलिटेक्निक मैदान में लगेगा मेला, सुबह 8 बजे से आगरा रोड का रहेगा रूट भी डाइवर्ट। वहीं खबर है, संभल के अंदर 55 किलोमीटर लंबी महावा नदी का होगा पुनरुद्धार,
डीएम ने फावड़ा चलाकर किया शुभारंभ। बोले कि 40 ग्राम पंचायतों से होकर ये बहने वाली है। और खबर देखिए, प्रयागराज के अंदर 150 साल पुरानी बिल्डिंग का बदलेगा स्वरूप। नगर निगम के भवन में अंग्रेजों के समय चलता था क्लब, अब निगम का स्थापित है कार्यालय। साथ ही खबर, हरदोई के अंदर किसानों का विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। हरदोई में दूसरे दिन पहुंचे तहसीलदार, नाराज किसानों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। इसी बीच नोएडा से खबर देखिए, एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। अलग अलग बैंकों के छाण में एटीएम कार्ड हुए बरामद, 50 से ज्यादा लोगों को बनाया इसने निशाना। और लखनऊ से खबर देखिए, खेल समाचार के तहत इकोनॉमी यूपी वर्सेस बंगाल रणजी मैच। बंगाल के 269 रन पर 7 विकेट, सुदीप चटर्जी ने मारी सेंचुरी। विपुराज निगम ने डेब्यू में झटके 4 विकेट। वहीं खबर, आजमगढ़ के अंदर श्री रामलीला के मंच पर बार बालाओं के लगे ठुमके, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और गोंडा से खबर देखिए, 108 कन्याओं का हुआ पूजन, 1000 ई रिक्शों को दिखाई गई हरी झंडी, चालक बने शक्ति सारथी, यानी कि माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए शपथ। वहीं खबर है, बुलंदशहर के शपथ को ग्रीस से मिली स्कॉलरशिप। दुनिया भर से 30 एथलीट को चुना गया, जिसमें भारत से इकलौता यानी कि एकमात्र चयनित एथलीट है शपथ। नाम है इनका शपथ भारद्वाज, जिन्हें स्कॉलरशिप के तहत चुना गया। और प्रतापगढ़ से खबर है, विस्फोट को लेकर प्रशासन आया अलर्ट मोड में, व्यवसायी की हुई थी मौत, अतिशाबाजी की दुकान पर नहीं मिला लाइसेंस। साथ ही खबर है, महाराजगंज के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट पर महाराजगंज में सिपाही खुद हुआ सस्पेंड। गोरखपुर डॉक्टर सिपाही विवाद में, सोशल मीडिया पर किया था इन्होंने भ्रामक पोस्ट। और हाथरस से खबर देखिए, पुलिस बनकर आधा दर्जन बदमाशों ने बुजुर्ग को लूटा। हाथरस में देर रात हुई वारदात, तमंचा दिखाकर बंधक बनाया, 3 मवेशी भी खोल ले गए। वहीं खबर है, चंदौली के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा अनुदान, 23 अक्टूबर तक कर सकते हैं बुकिंग, उसके बाद नहीं मिलेगा लाभ। बुकिंग के दौरान टोकन मनी जमा कराना होगा अनिवार्य। वैसे तो इस बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, बाकी आप चाहो तो अपने नजदीकी मित्र सेंटर या सीएससी ऑफिस जाकर ले सकते हो ज्यादा जानकारी। और खबर है, बांदा के अंदर दुर्गा विसर्जन पर सख्त नियम लागू। नवरात्रि विसर्जन के दौरान फिल्मी गाने, शराब और पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध। और आगरा से खबर देखिए, शासन के टेस्ट में 50 अधिकारी हुए फेल, शिकायतों के समाधान के बाद लिया गया फीडबैक, डीएम ने रोकी सैलरी। वहीं खबर है, अलीगढ़ के अंदर वर्दी में नियम टूटे तो होगी सख्त कार्रवाई। अलीगढ़ में बिना हेलमेट चलते हैं पुलिसकर्मी, होस्टलर भी नहीं लगाते। और खबर है, फतेहपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, उद्यमियों और निवेशकों के लिए लैंड बैंक बनेगा, 5 एकड़ जमीन की चिन्हित। इसी बीच खबर है, कानपुर के अंदर एआईयू प्रतिनिधिमंडल वैश्विक विश्वविद्यालय फोरम में भाग लेने पहुंचा चीन। कानपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और महासचिव पंकज मित्तल रखेंगे भारत का पक्ष। आज और कल यानी कि 12-13 अक्टूबर को होगा ये कार्यक्रम। और खबर देखिए, उन्नाव के अंदर कलेक्ट्रेट में शक्ति रसोई का हुआ शुभारंभ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेगी संचालन, मिलेगी स्वाद और सेहत की गारंटी। और खबर देखिए, हरदोई के अंदर बिना अनुमति धर्मांतरण की कोशिश, 4 लोग हुए अरेस्ट। हरदोई में ईसाई धर्म का प्रचार का मामला आया सामने, हिंदू देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का भी लगा आरोप। वहीं खबर है, अम्बेडकर नगर में 15 उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन होगा जल्द ही, 80,000 से ज्यादा की आबादी को होगा सीधा फायदा, बस इंतजार है सिर्फ बिजली कनेक्शन का। और खबर देखिए, इटावा में 1.5 क्विंटल संदिग्ध चाइनीज लहसुन हुआ बरामद, खाद्य विभाग ने की छापेमारी, सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वहीं लखनऊ से खबर देखिए, डेंगू के चलते एक और जान गई, 24 घंटे में सामने आए 63 नए मामले, अब तक 600 से ज्यादा केस आ चुके हैं बीते 15 दिनों में। और खबर देखिए, हरदोई के अंदर दशहरे पर जलाया जाएगा 70 फीट का रावण, मल्लावा में 5वें साल लगेगा दशहरा मेला, झांकियां बनेगी आकर्षण का केंद्र। साथ ही लखनऊ से खबर है, मुस्लिम समुदाय को बदलने वाले लखनऊ के एजुकेशन मैन डॉक्टर कल्बे सादिक के स्कूल में 1500 बच्चों को मिल रही है मुफ्त शिक्षा। इसी बीच खबर है, प्रयागराज को लेकर, महाकुंभ में बीमार हुए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेंगे आपका इलाज। प्रयागराज में मेले के आसपास के अस्पताल रहेंगे अलर्ट मोड में, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी डिटेल। और खबर है, आपकी हेल्थ को लेकर, अगर आप भी घंटों यूज करते हैं एयरफोन तो हो जाए अलर्ट। बहरेपन के साथ साथ दिल और दिमाग भी होता है कमजोर, KGMU की रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। और खबर देखिए, वाराणसी को लेकर नगर निगम ने 1,136 करोड़ का पुनरक्षित बजट किया पास। महापौर ने शहर के सीवर, सड़क और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। इसी के साथ वक्त हो चुका है ताजा तरीन मौसम अपडेट पर नजर डालने का। आपको बता दें, दशहरे पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं, लखनऊ समेत प्रदेश में छाए रहेंगे बादल और मौसम रहेगा खुशनुमा। हालांकि अब रात के हवाओं में घुल चुकी है ठंडक, दशहरे बाद तो ठंड की पक्की दस्तक हो जाएगी। मौसम में बड़ा बदलाव होना शुरू हो चुका है, बिहार से लेकर दिल्ली NCR तक जबरदस्त ठंड का अलर्ट जो 20 तारीख के बाद जारी होने वाला है। यूपी में अगले 48 घंटों में हो जाएगी मानसून की विदाई, ग्रीन अलर्ट के बीच खिली रहने वाली है धूप। वाराणसी के अंदर 36 डिग्री के पार पहुंचा पारा, आगरा के अंदर सुबह ठंड का एहसास तो दोपहर में रही उमस। और इसी के साथ वक्त हो चुका है कुछ हेडलाइंस अलर्ट पर नजर डालने का। आपको बता दें, 2019 कुंभ के रिकॉर्ड तोड़ेगा 2025 का महाकुंभ, पूरी दुनिया के लिए बनेगा मिसाल। वहीं खबर है, वाराणसी में बढ़ाई जाएगी सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी की सुविधाएं, 295 करोड़ का पुनरक्षित बजट हुआ पास। और आगरा से खबर देगी, बीटेक का टॉपर निकला, डिजिटल अरेस्ट का मास्टरमाइंड, 4 महीने में 4 करोड़ की ठगी की, गुरुग्राम से चलाता था गैंग, अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और खबर है, क्या है आखिर JPNIC,
813 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई बिल्डिंग अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट सपा सरकार के दरमियान 2013 में बनना हुआ था शुरू। अब इसके मेन गेट पर टीन शेड लगा दिए गए जो कि आप देख सकते हो तस्वीरों में। वहीं खबर है रतन टाटा को लेकर। यूपी को दिया था इन्होंने अपना दिल, नोएडा से लेकर श्रावस्ती तक फैलाया कारोबारी साम्राज्य। रतन टाटा ने यूपी के 1.5 लाख से ज्यादा गरीब किसान महिलाओं और युवाओं का किया उद्धार। आपको बता दें एक बार उन्हें SPG की सुरक्षा भी दी गई लेकिन उन्होंने यह कहकर हटवा दी कि मुझे कोई खतरा नहीं है। रतन टाटा के दिल में बसता था यूपी, प्रदेश को IT हब बनाने में रही उनकी बड़ी भूमिका। वहीं खबर है गोवा के अंदर भी दिखेगा योगी मॉडल। लैंड माफिया और हिस्ट्री सीटर की अवैध संपत्ति पर पहली बार चला बुलडोजर। और खबर है बिजली बिल 60% तक हो जाएगा कम, 1 लाख तक की मिलेगी सब्सिडी। PM सूर्य घर योजना के तहत ये लाभ जो यूपी वासियों को दिया जाएगा। साथ ही खबर है उत्तर प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली, 3 करोड़ उपभोक्ताओं को दीपावली से पहले योगी सरकार की मिली बड़ी राहत। त्योहारी सीजन में योगी सरकार ने कर दिया ऐलान, बीते 5 सालों से नहीं बढ़ी है बिजली की दरें और इस साल भी नहीं बढ़ने वाली। और खबर है चेकिंग अभियान चलाकर बिजली विभाग ने वसूले 17 लाख रुपए, 87 बकायेदारों के मौके पर काट दिए कनेक्शन। और खबर देखिए टाट पट्टी नहीं, फर्नीचर पर बैठकर पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय यानी कि स्कूल के छात्र। सभी जिलों से मांगा गया टेबल कुर्सी का ब्यौरा। और खबर है उत्तर प्रदेश के 1,40,000 शिक्षा मित्र, 25,000 अनुदेशक और रसोइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले मिलेगी उन्हें बढ़ी हुई सैलरी यानी कि उनके मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान योगी सरकार ने जारी कर दिया है। साथ ही खबर है राशन के बाद फ्री में गिफ्ट देगी यूपी सरकार, दिवाली से पहले 3,53,000 लाभार्थियों को मिलेगा उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर। और खबर है बहराइच के अंदर तेंदुए के बाद भेड़िया आया और भेड़िए के बाद नेपाली जंगली हाथी का आतंक, साइकिल सवार युवक पर किया हमला। वहीं खबर देखिए CM योगी का बड़ा ऐलान, 30 दिनों में अपराधियों को मिलेगी सजा, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी अपराधी, माफिया और अराजक तत्वों को तुरंत शिकंजे में लेने के आदेश जारी। और खबर है मेरठ के CCSU में बनेगी प्रदेश की सबसे बड़ी लैब, 30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगी तैयार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। वहीं महानवमी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नवमी दशमी और अगले दिन रविवार, 3 दिन रहेगी यूपी के अंदर सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए छुट्टी, स्कूल कॉलेज और बैंक भी रहेंगे बंद। वहीं खबर देखिए युवाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में रखे जाएंगे युवा फेलो, 40,000 रुपए मिलेगी इन्हें तनख्वाह। इतना ही नहीं 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 160 मुख्यमंत्री युवा फेलो किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर नियुक्त। और खबर है योगी सरकार ने जौनपुर बिजनौर के 2 PCS अधिकारियों को किया निलंबित, भ्रष्टाचार के मामले में जौनपुर और बिजनौर में की कार्रवाई। साथ ही खबर है यूपी के 5 मंडलों में बनेंगे नए रिंग रोड, 14 जिलों में बनाए जाएंगे नए बाईपास। 5 जिलों के नाम आपको बता दें, अलीगढ़, देवी पाटन, झांसी, मिर्जापुर और सहारनपुर में रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव जो वो योगी सरकार की तरफ से जारी हो चुका है और 12 मंडलों में रिंग रोड बन रहे हैं। यूपी में टोटल 18 मंडल हैं जिसमें 12 में काम जारी है, जिस बारे में अधिक डिटेल आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और खबर है गोवंश की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के गले में बांधी जाएगी रेडियम की पट्टी, इसके लिए 50 लाख रुपए का फंड किया जारी ताकि दुर्घटनाओं में आएगी कमी। और खबर तो यह कि विरोध के नाम पर अराजकता नहीं होगी बर्दाश्त, सभी धर्मों का सभी को करना होगा सम्मान। वहीं खबर है सरकारी कर्मचारी के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी मिल सकता है बड़ा तोहफा, अब उनके वर्दी भत्ते में हो सकता है बढ़ोतरी का ऐलान। वहीं खबर देखिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, ढाबे रेस्टोरेंट की होगी जांच, कर्मचारी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, नेम प्लेट भी होगी अनिवार्य और उन्हें साफ सफाई का रखना होगा ध्यान, अब हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और सर के अंदर केप पहननी होगी, साथ ही CCTV में बनेगा खाना ताकि मिलावट पर हो सके तुरंत कार्रवाई। और खबर देखिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, संपत्ति का ब्यौरा दर्ज न कराने वाले कर्मचारियों का DDA ने भी रोका वेतन। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगभग 90% कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है लेकिन बचे कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह पर लटकने वाली है घंटी। और खबर है योगी सरकार का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देगी पैसा, वो भी हजारों में नहीं लाखों में, बस आपको सिंपली सरकारी योजनाएं, सरकारी स्कीम और सरकार द्वारा बड़े ऐलान आम जन तक पहुंचाने, वो भी सिंपल और सरल तरीके से। और खबर देखिए देश की बेटियां संभालेगी अगली कमान, योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश की लगभग 7,000 बेटियों को एक दिन के लिए लीडरशिप का अनुभव कराया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि जो छोटी बहनें बच्चियां हैं उन्हें जिम्मेदारियों का अनुभव कराना, उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों का विकास करना है हमारा लक्ष्य। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम, वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।